Hey you guys, hi everybody. I'm hoping that you are doing fine everybody. So ये message हमारे droppers बच्चों के लिए है. So बेटा drop किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए. तो मेरे experience से मुझे ऐसा लगता है कि जब आप paper देने बैठे होंगे, droppers हैं मतलब आप एक बार paper दे चुके हैं, right? जब अगर आप drop करने का सोच रहे हैं तो बेटा जब आप paper में बैठते हो और आपको paper देते हुए पता चल जाता है कि अरे यार मैंने ना यहाँ पे इस portion में थोड़ी सी और मेहनत की होती ना तो मुझे ये क्वेश्चन आ जाता, या इसको शायद मैंने 2 या 3 बार पढ़ा होता ना तभी मुझे ये क्वेश्चन आ जाता. सो इन दैट केस मैं ये बोलूँगी कि यस आपको ड्रॉप कर देना चाहिए. एंड बिकॉज यू नो आपने अपनी लिमिट को देखा, आपने थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है और देन यू नो यू कैन बीट योर टारगेट. बट ऑन द अदर हैंड एक ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पेपर में बैठे और हो सकता है कि उनको कुछ पता ही ना चला हो, आधा पेपर हो गया होगा और पता ही नहीं चला कि क्या हुआ. सो वो भी ड्रॉप करने का सोच रहे हैं. आई वुड से कि वो कर सकते हैं ड्रॉप, बट उनको एक बात पता करनी पड़ेगी कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट जस्ट यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड दैट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. स्टार्ट आपको स्क्रैच से करना पड़ेगा, राइट? और बहुत पेशेंस की, बहुत मेहनत और बहुत लगन की ज़रूरत होगी. दूसरी बात यह है कि यू शुड आस्क योर सेल्फ दैट whether I really really want to do it or not, है ना. आप अपने साथ you know you cannot be dishonest with yourself. आप अपने साथ तो हमेशा सच्ची बोलते हैं, right? So ask this question and the answer came yes, then go for it. अगर answer थोड़ा dicey आ रहा है, I would say थोड़ा सा और research कर लो, देख लो that you know you can look for other options, other professions, because medical के अलावा और भी other options हैं medical में itself, okay? So that is my suggestions to all of you. I hope it helps and I'm just coming back in one day. From tomorrow onwards I'll be live and I'll meet you guys soon again same time 7 p.m. every day 7 p.m. ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं. Okay, bye bye.